हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूटीके बैडमिंटन। और फाइनली आपकी पॉपुलर डिमांड पे मैं वापस आ गया हूँ इस वीडियो को लेके, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा रैकेट बेस्ट है अंडर 1000 के बजट में। तो बाय द वे, अगर आपने पुराना वीडियो चेक नहीं किया जिसमें मैंने आपको बताया कि अंडर 500 कौन सा रैकेट बेस्ट है, तो एक बार उसको जरूर चेकआउट कर लेना। और फिर एक और वीडियो है कि टाइप्स ऑफ रैकेट्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, और बैडमिंटन रैकेट टर्मिनोलॉजीज के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था। उन सब वीडियोज़ को भी चेकआउट कर लेना, क्योंकि वो एक टाइप के वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज दी है कि क्या क्या मतलब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं मार्केट में, और क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि इसके ऊपर कोई मतलब नहीं बनता है कि अगर आप ये देख रहे हैं कि इस बजट के अंदर बस कौन सा रैकेट बेस्ट है, अगर आपको यही नहीं पता कि आपके लिए कौन सा रैकेट बेस्ट है, तो फिर तो आपको सामने वाला बंदा कोई भी रैकेट रेकमेंड कर सकता है और आप वो चीज़ उठा लोगे। तो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है कि क्या क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है मार्केट में और आपके लिए क्या चीज़ बेस्ट रहेगी, तो आपको खुद का गेम और खुद का प्लेइंग स्टाइल ये सब एनालाइज करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, और ये सब चीज़ें आप शायद अभी अगर आप एकदम बिगिनर हो या फिर काइंड ऑफ इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, तो आपको समझ में नहीं आएगी। और मैं धीमे धीमे ट्राई करूँगा कि इनके ऊपर वीडियोस लाने का ट्राई करूँ, तो आपकी आपको समझ में आ पाए कि बैडमिंटन एज अ स्पोर्ट क्या चीज़ है। तो चलिए हम वापस से टॉपिक पे आते हैं कि 1000 के अंदर कौन सा रैकेट बेस्ट है। आप ऑप्शंस जानते हो, जैसे कि एड्रेक्स का R501, HRS का कार्बन H1000, कार्बन फोर्स 2000, और यंग का एक GT100 भी अभी इस बजट के अंदर आ गया है। तो इन सब रैकेट्स में से कौन सा रैकेट लेना बेस्ट होगा, कि क्या है कि नहीं, तो इस चीज़ में आपको मैं थोड़ा बहुत क्लैरिटी लाने का ट्राई कर पाऊँगा। बट एकदम आपको एकदम अगर जो अपना डिसीजन बनाना है क्या नहीं, तो देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1000 के अंदर जब आप रैकेट में आ जाते हो ना, जब 500 से ऊपर जाते हो, तो आप ऑलरेडी काफ़ी अच्छे बजट के अंदर आ गए, जिसके अंदर आपको वो रैकेट्स मिलते हैं जो सेम टेक्नोलॉजी या सेम मटेरियल जो यूज़ होता है, इवन महंगे रैकेट्स 3000, 10000, 20000 के रैकेट्स के अंदर भी। और जब 500 के अंदर रैकेट जब देख रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली स्टील के रैकेट्स मिलते हैं विद टी जॉइंट। जब 500 से 1000 के अंदर आ जाते हैं, तब आपको जॉइंटलेस रैकेट मिलते हैं, लेकिन कुछ रैकेट्स होते हैं जो कि नॉन ग्रेफाइट होते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो लीनिंग का GTEC रैकेट, जो कि बहुत लोग पूछते रहते हैं मेरे से कि वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और अमेजोन पे वो दे रहे भी ये रखा है कि वो एक कार्बन ग्रेफाइट रैकेट है, बट एक्चुअल में वो एक कंपोजिट रैकेट है, यानी कि वो एल्यूमिनियम और कार्बन के मिक्सचर से बना हुआ है। तो मैं जनरली लोगों को रेकमेंड नहीं करता कि ऐसे टाइप के रैकेट लो, जैसे कि कार्बन ग्रेफाइट रैकेट्स ही आपको लेने चाहिए। जो ये टाइप के रैकेट्स आते हैं कंपोजिट रैकेट्स, एल्यूमिनियम ग्रेफाइट को मिला के, या फिर हाइब्रिड रैकेट आते हैं जिसमें शाफ्ट ग्रेफाइट की होती है, फ्रेम जो होता है वो एल्यूमिनियम का होता है, या फिर उसका उल्टा, एल्यूमिनियम का शाफ्ट हो गया और ग्रेफाइट का फ्रेम हो गया, ऐसे टाइप को आपको रैकेट प्रेफर नहीं करने चाहिए। फुल ग्रेफाइट लोगे तो हमेशा फ़ायदे में रहोगे, और जितने भी आगे बजट के रैकेट आते हैं सब फुल ग्रेफाइट ही आते हैं। मैंने आपको ऑप्शंस तो ऑलरेडी बता ही दिए, बट आपको फिर कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। अगर आप वो फैक्टर्स को देख के रहोगे, तो आप एक्चुअल में अपने लिए बेस्ट सूटेबल रैकेट ले पाओगे। क्योंकि इस बजट में मोस्टली सारे रैकेट सेम हैं, बस ब्रांड का डिफरेंस है, थोड़ा बहुत बिल्ड क्वालिटी का डिफरेंस होता है, कुछ कुछ में टेक्नोलॉजी दूसरी होती है, कुछ कुछ का कैटेगरी अलग होता है, लाइक हेड हेवी, इवन बैलेंस्ड या फिर हेडलाइट, और उसके हिसाब से डिफरेंट प्राइसेस रहते हैं। बट जब 1000 के अंदर आ जाएंगे, तो लाइक 800 से 1000 के अंदर ही ये सब रैकेट लाया करते हैं। तो मेन चीज़ आपको देखनी है कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है, और जो सूटेबल होगा उसके लिए अगर आपको 1000 के अंदर मिल रहा है तो बढ़िया है। अगर अपना बजट थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो, तो उस टाइम पे जो ऑफर मिल रहे हैं, और अगर वो रैकेट एक्चुअल में सस्ता मिल रहा है आपको, तो आप उसके साथ में भी जा सकते हो। एक पॉइंट है ये कि आप पहली बात तो किस टाइप के प्लेयर हो, मतलब आप अभी जस्ट खेलना स्टार्ट कर रहे हो, आप ये आपका पहला रैकेट है और आप इसके साथ में ही खेलना स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपके बाकी दोस्त लोग ऑलरेडी खेल रहे हैं, और ऑब्वियसली अपने रैकेट से खेलने का एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो क्या आप एक बिगनर प्लेयर हो और आपको चाहिए एक रफ एंड टफ रैकेट, तो तब आपके लिए एड्रेस R501 बहुत बढ़िया है। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो प्लेयर, मतलब थोड़े बहुत इंटरमीडिएट टाइप के प्लेयर हो, आपको खेलना आता है बट आप अपने स्किल इंप्रूव करना चाहते हो, तब भी आपके लिए एड्रेस R501 ही अच्छा है, या GT100, मतलब इन चारों में से आप कोई सा भी रैकेट ले सकते हो मेरे हिसाब से। जब हम थोड़ा आगे बात करेंगे और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो तब थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी मिलेगी आपको कौन सा लेना है कौन सा नहीं। और अगर आप ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, तब आपको मेरे हिसाब से कार्बन H1000 या फिर एड्रेस R501 के साथ में स्टिक करना चाहिए, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको मतलब काफ़ी देर की ट्रेनिंग रहती है, और आपको अपना हैंड का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है, आपको बीच में ज़्यादा रेस्ट नहीं मिलता।
तो अगर आप थोड़े हल्के रैकेट से खेलेंगे या इवन बैलेंस रैकेट से खेलेंगे तो आपका गेम उस हिसाब से थोड़ा सा बन जाएगा और आपको ज़्यादा मतलब पेन नहीं होगा अपने हाथ में, और आपका जो टायर्डनेस है आपको उतनी ज़्यादा नहीं लगेगी। अगर आप हैवी रैकेट से एकदम से खेलना स्टार्ट कर दोगे तो आपको हाथ में पेन आएगा, और ट्रेनिंग करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, तो जितना आप ज़्यादा हैवी रैकेट से खेलेंगे उतना आपको आपका गेम उस हिसाब से उतना इम्प्रूव नहीं होगा जितना आप इवन बैलेंस्ड और एक हेडलाइट रैकेट से खेल पाओगे जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो तब। और आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस प्लेयर हो, आप टूर्नामेंट के लिए रैकेट देख रहे हो जिसमें आप या तो सिंगल्स खेल रहे हो या फिर आप डबल्स भी खेल रहे हो, तो आप थोड़ा सा डोमिनेटिव टाइप के प्लेयर हो, तब आप HRX के कार्बन फोर्स 2000 के साथ में जा सकते हो या यंग के GT 100 के साथ में जा सकते हो। इसी के कंटिन्यूएशन में मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या आप एक अटैकिंग टाइप के प्लेयर हो या फिर डिफेंसिव टाइप के प्लेयर हो, मतलब कि ऑफेंसिव हो कि डिफेंसिव हो। तो अटैकिंग टाइप का प्लेयर अगर आपको नहीं पता तो वो होता है कि जो जनरली ज़्यादा स्मैश करने का ट्राई करता है, जो ट्राई करता है कि हाँ उसको ओपोनेंट को ज़्यादा भगाना है, उसको ओपोनेंट को डिफेंसिव शॉट्स ज़्यादा खेलने पड़ते हैं, तो आप तब एक अटैकिंग प्लेयर हो। और डिफेंसिव प्लेयर्स का उल्टा हो गया कि जो डिफेंस करने का ट्राई करता है और मोस्टली शटल के ऊपर अपने रैकेट के ऊपर कंट्रोल उसका जो स्किल होता है वो उसको यूज़ करता है, तब वो डिफेंसिव प्लेयर होता है। जैसे मैं खुद एक डिफेंसिव प्लेयर हूँ तो मेरे को वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि कोई भी मेरे सामने अगर अटैकिंग प्लेयर होता है चाहे वो कितने भी अच्छे लेवल का हो, बट मैं उसके शॉट्स को काफ़ी हद तक डिफेंड कर लेता हूँ, तो उस वजह से मेरा गेम काफ़ी मेरे लेवल के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहता है। तो जितने भी लोग बोलते हैं हाँ हम तो अटैकिंग है, हम तो अटैक खेलेंगे, हम तो अटैक खेलेंगे, तो मैं बोलूँगा कि पहले आप डिफेंस के ऊपर काम करो, जब आपका डिफेंस अच्छा हो जाएगा तब आप अटैक के ऊपर जाओ। क्योंकि जब आप दोनों चीज़ों को अच्छा कर लोगे, पहले आप डिफेंस के ऊपर काम करके अपना डिफेंस अच्छा कर लिए, क्योंकि बैडमिंटन स्पोर्ट ऐसा है कि जिसमें आपको ये पॉइंट नहीं दिए जाते कि आप कितने स्मैश मारते हो, इस पर इस बात पर पॉइंट मिलते हैं कि आप कितनी बार शटल को ओपोनेंट के कोर्ट में गिरा पाए और कितनी बार अपने अपने कोर्ट से गिरने से बचा लिया। ठीक है, जब आपने वो गेम इम्प्रूव कर लिया तब आप अपने अटैक पे काम करो, और वो टाइप से अब अटैक भी अच्छा कर लोगे तो आप एक ऑलराउंड टाइप के एक प्लेयर बन जाओगे। तो अब जब आपको बताइए कि पहले आपको अपने डिफेंस के ऊपर काम करना है, तब आपके पास में Carbon H1000 है और Address R501 है, और जब आपको अटैक के ऊपर काम करना है, आप अटैकिंग ऑलरेडी प्लेयर हो और वैसे टाइप का लेवल जो है वो प्रेफर करते हो, तब आप Carbon Force 2000 के साथ में जा सकते हो या फिर Jung के GT 100 के साथ में भी जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि आप एक डिफेंस वाले रैकेट से थोड़ा बहुत अटैक भी कर सकते हो, बट आप अटैकिंग वाले रैकेट से थोड़ा डिफेंस करने में आपको प्रॉब्लम ही आएगी। फिर एक और चीज़ डिपेंड करती है कि आप कहाँ पे ऑलरेडी खेलते हो या फिर खेलने वाले हो। अगर आप आउटडोर कोर्ट में खेल रहे हो जिसमें ये कोर्ट एक्चुअल में है भी या नहीं, या फिर उसमें लाइंस बनी है, या फिर जो उसका सरफेस है वो कैसा है, क्या वो एक रोड वाला कंक्रीट सरफेस है या फिर वो एक टाइल वाला सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, तो वो चीज़ भी देखनी पड़ेगी। क्योंकि आप जब स्टार्ट करते हैं बैडमिंटन खेलना तो कहीं ना कहीं वो रैकेट ज़मीन पर लगता ही है, या फिर आपको वो वाली चीज़ भी सीखनी पड़ेगी कि रैकेट को यूज़ करके कैसे आप शटल को ही ग्राउंड से उठा पाओ, क्योंकि आगे जाके आपको वो वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये चीज़ आप जब सीखने लग जाओगे, अगर आप इंडोर कोर्ट में खेल रहे हो जिसमें सिंथेटिक कोर्ट है या फिर वुडन कोर्ट है, तो उसमें आप इस चीज़ के साथ में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और फिर आपको वही है कि आप रिकमेंड मैं आपको कर सकता हूँ कि आप अपने रैकेट में स्ट्रिंग्स भी लगवा लो और आप अच्छे से अच्छी क्वालिटी का रैकेट लो। बट अगर आप बिगिनिंग में ही ऐसे टाइप के रैकेट से खेल रहे हैं जो इस बजट पे लाया करता है और आपकी जो सिचुएशन से खेलने वाली वो ऐसे है कि आप पार्क में खेल रहे हैं या फिर ज़्यादा मतलब आउटडोर वाला कोर्ट हो गया, तो उसमें फिर मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक नॉर्मल सा बेसिक रैकेट लो जिसकी स्ट्रिंग्स ठीक हो स्टॉक वाली ही, और जब आपको वो स्ट्रिंग्स टूट जाएँ या फिर आपको लगे हाँ अभी स्ट्रिंग्स के साथ में खेलने में मज़ा नहीं आ रहा, पावर नहीं लग रही है, तब आप उसकी रीस्ट्रिंग करा पाओ। और उसके अंदर आजकल जितने भी ये सब रैकेट हैं उन सब में अच्छी खासी क्वालिटी की आपको स्ट्रिंग टेंशन का वो लोड कैपेसिटी मिलता ही है, तो उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको रेकमेंड भी नहीं करता कि आप ज़्यादा स्ट्रिंग टेंशन का आप रैकेट लो, क्योंकि एक्चुअल में आप उसको अभी यूज़ ही नहीं करोगे, वो बस रैकेट स्ट्रांग रहेगा बट कहीं ना कहीं फिर वो रैकेट आपके लिए हैवी रहेगा और
जब आप उस लेवल पर पहुंच जाओ कि हाँ आपको ज़्यादा स्ट्रिंग टेंशन वाला रैकेट चाहिए, तो आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो आपको हल्का रैकेट भी उस वाले स्ट्रिंग टेंशन का मिल जाएगा। फिर एक चीज़ ये भी डिपेंड करती है कि आप कैसी टाइप की शटल्स के साथ में खेलते हैं। अगर आप मैविस 200 आई लीनिंग की, बोल्ट नियो, कॉस्को की 700 या फिर 727, इन सब शटल्स के साथ में खेलते हो तो फिर ये टाइप से अच्छी क्वालिटी की बजट शटल्स हैं, और इनके साथ में आप खेलते हो तो आप वही रैकेट लो जिसके साथ में स्टॉक स्ट्रिंग मिल रही हैं, और आप काइंड ऑफ फ्री स्ट्रिंग भी करा सकते हो, बट ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की स्ट्रिंग्स मत यूज़ करना है क्योंकि वो फिर जनरली ख़राब होती है इन बजट शटल्स के साथ में खेलने से। अगर आपको अच्छी क्वालिटी की स्ट्रिंग लेनी है जैसे कि मतलब BG65 के ऊपर की शटल्स, BG80 वगैरह या फिर किजुना की Z69 ये सब, तो इसमें आप उसको पेयर करोगे अच्छी शटल्स के साथ में, लाइक योनेस की मैविस 350, लीनिंग की बोल्ट गोल्ड, बोल्ट एक्सट्रीम, विक्टर की NS3000, कॉस्को की उतनी अच्छी नहीं है बट हाँ इस बजट में जो लाई करती है कॉस्को की 777 एरो, इन सब के साथ में खेलोगे तब आप उसमें प्रेफर कर सकते हो एक रीस्ट्रिंग गिया हुआ रैकेट। तो बस आपको यही है कि हर चीज़ को ना बैलेंस करके रखना है, आपका बजट भी ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना हो, बजट से आप ज़्यादा ऊपर मत जाओ, और आपको मेन गेम खेलने में मज़ा आना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए कि इस गेम को खेलने में बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। बैडमिंटन एक ऑलरेडी काफ़ी महंगा स्पोर्ट है और काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव स्पोर्ट है, मतलब इसमें आपको जो आप इक्विपमेंट लेते हो वो आपको टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है, तो उस चीज़ को आप ध्यान में रख के ही आपको देखना है। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कर पाओगे तो फिर आप बजट वाले ऑप्शंस के साथ में ही खेलो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप खेलना छोड़ दो, कोई और स्पोर्ट पे चले जाओ, बैडमिंटन खेलो, बैडमिंटन बहुत अच्छा स्पोर्ट है, बट आप अपने ओवर बजट में जाओ और ज़्यादा चीज़ों को वो मत देखो कि आपको एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए, आपके हिसाब से जो सूटेबल है और आपके बजट के अंदर जो लाया करता है आपको उसके साथ में ही अपना स्किल को इम्प्रूव करना चाहिए, और जब आपका स्किल इम्प्रूव होगा तो ऑब्वियसली आपको मोटिवेशन मिल जाएगा कि आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाओ। मैं काफ़ी ज़्यादा दूसरे टाइप के टॉपिक पर चला गया, इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे, बट मैंने आपको काइंड ऑफ कुछ कुछ क्लैरिटी दे दी होगी कि क्या आपको कौन सा रैकेट परचेज करना चाहिए कौन सा नहीं। अभी भी मेरे ख्याल से अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा कौन सा लेना है कि नहीं लेना, तो फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खा लो, फिर तो मैं ये बोलूँगा जौन सा सही लग रहा है वो ले लो, क्योंकि ये जो चार रैकेट हैं इनमें से आप कोई सा भी ले लोगे तो आपका काइंड ऑफ गलत रैकेट कोई भी नहीं होगा, पैसा वेस्ट नहीं होगा, हाँ तो जो आप लोगे वो काइंड ऑफ जस्टिफाइड रहेगा और आपका काम उसमें बन जाएगा। मेन चीज़ वही है कि अपना गेम को इम्प्रूव करो, गेम को समझो और अच्छे लोगों के साथ में खेलो जिनका स्किल काफ़ी अच्छा है, तो आप उनके साथ में जब खेलोगे तो आप अपने रैकेट को भी और अपने गेम को भी इम्प्रूव कर पाओगे, तो आपका कंट्रोल वगैरह सब कुछ रैकेट के ऊपर, शटल के ऊपर और गेम के ऊपर काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और उस वजह से आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ये स्पोर्ट को खेल के। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, मैं आपके लिए और भी बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा जिसमें मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि जनरली लोग नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा उसके लिए पेशेंस बनाए रखें, और कोई जेन्युइन क्वेरी वगैरह होती है तो उसको मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ लें, और बस इतना ही बोलना था आपको, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड अ हैप्पी न्यू ईयर।